हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हुंडई एक्सर के बेस वेरिएंट की। वैसे आप किसी भी शोरूम में जाओगे, आपको फिजिकली इसका बेस वेरिएंट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। एंड इसके बेस वेरिएंट में अभी कम से कम 2 से 3 महीने की वेटिंग चल रही है। तो आज कुछ इमेजेस के थ्रू हम जानेंगे इसके बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। एंड इन इमेजेस का सारा क्रेडिट जाता है रियल गाड़ी चैनल को। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो इस बेस वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का DRL देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो आपको इसके एच डिजाइन DRL है, जो इसके एस वेरिएंट से स्टार्ट होते हैं, वो बेस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। DRL की जगह यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर की प्लेसमेंट की गई है। उसके अलावा इस कार में आपको प्रोजेक्टर सेटअप भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हेडलाइट भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगी। बस बेस्ट पार्ट ये है कि इस वेरिएंट में आपको स्किड प्लेट दी जाती है, जो कि कार के फ्रंट प्रोफाइल को काफी ज्यादा बोल्ड लुक देते हैं। उसके साथ साथ जो ग्रिल है, पैरामेट्रिक ग्रिल का डिजाइन, वो भी सेम रखा गया है, जो कि बाकी के वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा वही सेम एक्स्ट्रा की बैजिंग एंड हुंडई की बैजिंग आपको बोनट भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल कुछ ऐसा सा इसका फ्रंट प्रोफाइल रहता है। अब बात करते हैं कार के साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसके टायर्स में। तो इस वेरिएंट में आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है। इसके अपर वेरिएंट में जैसे ही आप जाएंगे, आपको वहां पे स्टाइल रिम्स और अलॉय का ऑप्शन मिलेगा, बट बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ स्टील रिम्स दिए गए हैं। टायर का साइज सेम रखा गया है, सेम प्रोफाइल के टायर्स आएंगे 15 इंच के, एंड प्रोफाइल भी टायर का सेम होगा। उसके अलावा इंडिकेटर की प्लेसिंग फेंडर में ही की गई है, ओवरवीएम में इसकी प्लेसिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड ब्लैक कलर में आपको इसके ओवरवीएम देखने को मिलेंगे, मैट ब्लैक में। उसके अलावा डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे, इसमें आपको डोर हैंडल्स ब्लैक कलर में दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज जो आपको साइड प्रोफाइल में मिस लगेगी, वो लगेंगे इसकी रूफ रेल्स। बेस वेरिएंट में आपको कोई भी रूफ रेल्स ऑफर नहीं की गई है। सेम ग्राउंड क्लियरेंस इस वेरिएंट में भी आपको ऑफर की जाती है 185 मिलीमीटर की। तो गाइस, कुछ ऐसा सा है कार का साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं कार के रेयर प्रोफाइल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेयर प्रोफाइल में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा, रियर वाइपर देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ कैमरा भी इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता, बिकॉज इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। इसके अलावा पैरामेट्रिक ग्रिल में डिजाइन आपको वही देखने को मिलेगी, जो कि बाकी वेरिएंट्स में देखने को मिलती है। साथ ही साथ सेंटर में हुंडई की बैजिंग, एक्स्ट्रा की बैजिंग, एंड इसमें मिलने वाले 6 स्टैंडर्ड एयरबैग। इसके साथ साथ रियर प्रोफाइल में आपको स्किड प्लेट देखने को जरूर मिलेगी, जो इसका रियर प्रोफाइल से लुक कंप्लीट करती है। अब बात करते हैं कार के इंटीरियर की, एंड सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं, इसमें आपको सिंगल डोर में इंटीरियर देखने को मिलेगा, प्लस ड्राइवर साइड डोर में आपको विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे फ्रंट विंडोज के। रियर विंडोज में आपको पावर विंडोज देखने को नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको मैनुअल विंडोज ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ओवरवीएम भी आपको अंदर से एडजस्ट करने को मिलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओवरवीएम नहीं आते हैं, तो आपको ओवरवीएम भी अंदर से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा डैशबोर्ड की बात करें, तो आपको सेम नियोस थीम बेस्ड ही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। उसके अलावा इस कार में आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, एंड ना ही आपको स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। बात की जाए, इस कार में आपको मैनुअल एसी देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ गियर नॉब भी आपको रबराइज्ड फॉर्म में ही मिलेगी, कोई लेदर का यूज में नहीं किया गया है। इसके अलावा बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रखा गया है, वो फुली डिजिटल रखा गया है बेस वेरिएंट से। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हुंडई ने करी है। बेस वेरिएंट से ही हुंडई आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रही है अपनी कार में। तो गाइज, यही सब फीचर्स एंड यही एक्सटीरियर लुक आपको मिलने वाला है इसके बेस वेरिएंट में। बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर कापा सीरीज का इंजन मिलता है, जो कि जनरेट करता है 81 bhp की पावर और 113 nm का टॉर्क। बात की जाए इस कार के ऑन रोड प्राइस की, तो एक्स्ट्रा का बेस वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 6.70 लाख ऑन रोड। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि हुंडई एक्स्ट्रा टाटा पंच को कॉम्पिटिशन दे पाएगी, या फिर ये कार एक नियोस का सब्स्टिट्यूट बन के रह जाएगी? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।